तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए राजस्थान की राजधानी जयपुर से बेहद ही बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। जयपुर में बिजनेसमैन ने खुद के साथ इस गोली वाली घटना को अंजाम देने का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। इससे पहले उन्होंने एक सबूतनुमा वीडियो बनाने के बाद घटना के कारणों को बताया है। दरअसल जयपुर के शास्त्री नगर थाने के ASI लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मनमोहन सोनी 41 वर्षीय RPA के सामने स्वर्णकांड कॉलोनी में रहते हैं। इनका पानीपेच तिराहे के पास डिपार्टमेंटल स्टोर है। बुधवार दोपहर करीब 10:30 पर मनमोहन ने अपने लाइसेंस वाली रिवॉल्वर के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। उस समय घर में मनमोहन, पत्नी नीतू सोनी 40 वर्षीय, बेटा यश 20 वर्षीय, माँ और छोटे भाई रोहित सोनी की पत्नी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि बेटा यश इस घटना के वक्त शॉप पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। अचानक फायर की आवाज़ सुनने के बाद कमरे में गए तो सभी के होश उड़ गए। इस घटना के दौरान ही उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ पर जाँच के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। वही बिजनेसमैन ने सबूतनुमा वीडियो में बताया कि इस घटना के जिम्मेदार सत्यार्थ तिवाड़ी, यथार्थ तिवाड़ी, रमेश चंद्र तिवाड़ी, एनी भारद्वाज और लोकराज पारिक हैं। इन सभी को सजा दी जाए और मेरे द्वारा दिए गए 7 करोड़ रुपए वापस मेरे परिवार वालों को दिलवाए जाएं। पुलिस ने बिजनेसमैन का फोन जब्त करने के बाद मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।